सरस शिक्षण समिति द्वारा संचालित सरस विद्यालय कैंप एक का वार्षिक उत्सव विभिन्न आयोजनों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मेघावी छात्र छात्राओं का स्कूल प्रबंधन द्वारा स्वागत सम्मान किया गया, साथ ही सर्वश्रेष्ठ पालकों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। हर विद्यालय की तरह सरस विद्यालय कैंप एक का वार्षिक उत्सव रविवार को सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। साथ ही एक विशेष पहल शाला प्रबंधन के द्वारा की गई, जिसमें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बच्चों की शिक्षा दीक्षा के प्रति उनके पालकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पालकों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात विद्यालय को गौरवान्वित करने वाले मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी शाला प्रबंधन द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंच के माध्यम से सरस विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं ने रंगारंग मंची प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। सरस शिक्षण समिति के अध्यक्ष एवं सरस विद्यालय के प्राचार्य ने अपने विद्यालय के संचालन के उद्देश्य को मीडिया से साझा किया एवं वार्षिक उत्सव की जानकारी भी प्रदान की। आज हमारे इस विद्यालय का वार्षिक उत्सव समारोह है और हम लोग हर वर्ष आज करीब 2004 से हमारी विद्यालय संचालित है और हर वर्ष हम लोग सभी अच्छे से वार्षिक उत्सव मनाते हैं और छोटे मोटे बच्चों का जितने भी अपने हैं सब अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने का भी हम लोग यहाँ अपने यहाँ सम्मानित करते हैं और उनके लिए हमारे विद्यालय में एक हमारे प्राचार्य के माध्यम से उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। उनके फीस वगैरह में भी हम लोग छूट करते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमसे हर प्रयास रहता है तो बराबर करते हैं। हमारी शिक्षण समिति का मुख्य उद्देश्य है कि हम गरीब से गरीब बच्चे को अपनी शिक्षा के माध्यम से उसको शिक्षित कर सकें और उसकी जितनी भी मदद हो सके हमारे शिक्षण संस्थान द्वारा उसे हम लोग भरपूर करने की कोशिश करते हैं। इस बार शाला का रिकॉर्ड बच्चे जैसे कोरोना के बाद जो हम लोग पहले सोचे थे कि प्रदर्शित जो लगभग बच्चे पीछे हो रहे हैं पढ़ाई के नाम से, उसके लिए हम लोग के जो शिक्षिकाएं विशेष व्यवस्था कर जैसे एक्स्ट्रा क्लास लेकर उनका परफॉर्मेंस जो है कि आगे बेहतर हो जाए, जिससे हमारा मतलब यह बोल सकते कि हम 100% नहीं बोलेंगे लेकिन 95% लोग जो बच्चे कवर कर चुके थे। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय उनका मार्गदर्शन जो रहते हैं जो श्री रमेश कुमार मिश्रा जी, वो मतलब खेल को खेल के समय दर्जा समय अलग से निकालते हैं, उनके लिए अलग शिक्षक को अपन प्रेरित करके वो शिक्षक उनको खेल कूद में देखते हैं। पढ़ाई के लिए स्टाफ तो भरपूर आई है, वो पढ़ाई के मामले में वो ध्यान देते हैं, बाकी मैं हूँ जो सभी चीज़ों को अपने मार्गदर्शन में लेकर उनको गाइड करते हुए पूरे शिक्षक को आगे बढ़ाते हैं। वार्षिकोत्सव किसी भी स्कूल का दर्पण कहा जाता है। इस वार्षिकोत्सव में होने वाले क्रियाकलापों से यह जाना जा सकता है कि विद्यालय अपने विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति कितना सजग रहता है और यह बात सरस विद्यालय के वार्षिकोत्सव में देखने को मिली, जहां विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के भविष्य के लिए शाला प्रबंधन और शिक्षण समिति लगातार तत्पर रहता है और ऐसे पालक जो अपने बालकों के भविष्य को लेकर उन्हें अपना कीमती समय देकर उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, ऐसे पालकों का सम्मान भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।